हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं COCCA क्लासेस एंड आई एम सीए राघव गोयल। मैं आप सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं कि आपको PhD करने के लिए मास्टर्स डिग्री होना आवश्यक है? क्या आप ये भी जानते हैं कि UGC नेट एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है? लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप क्वालिफाइड CA हैं, तो फिर आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी और बढ़िया खबर है आप सबके लिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसकी मान्यता पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर है। और इस बात के एविडेंस वाले सर्कुलर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ग्रांटेड एकेडमिक इक्विवेलेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन विद इट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अपियरिंग इन द UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आइए मैं आपको ये वाला सर्कुलर पढ़ के सुनाता हूं। ये देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये पब्लिक नोटिस है और इसमें ये लिखा है कि आप अगर CA बन जाते हैं तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये देखिए दोस्तों, CA CS ICWA, जिसको आप CMA कहते हैं, क्वालिफिकेशन टू बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू द PG डिग्री। ऑलराइट, एक और चीज मैं आपको लेकर चलता हूं बताने के लिए। यहां पर दोस्तों, हम PhD के लिए भी एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि हम अलग से पोस्ट ग्रेजुएट का परीक्षा दें, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करें। CA कर ली तो बस PG भी हो गई, राइट? ये देखिए आप दोस्तों, यहां लिखा है 112 यूनिवर्सिटीज 112 यूनिवर्सिटीज हैव रिकॉग्नाइज्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट? इंक्लूडिंग, वो जो 112 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इंक्लूडिंग, कुछ बड़े नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इंक्लूडिंग IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, कोझीकोड, शिलोंग एंड जम्मू, एंड वी ऑल्सो हैव IIT मद्रास, बॉम्बे। तो इनकी भी अगर आपको डिटेल्स देखनी हो तो फिर आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक और इनके PDF दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। ये दोस्तों देखिए, ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है वेस्टर्न रीजन की। ये टोटल 9 पेज की लिस्ट है वेस्टर्न रीजन की यूनिवर्सिटीज। फिर उसके बाद सदर्न रीजन की, देखिए 23 यूनिवर्सिटीज हैं वेस्टर्न रीजन में। साउथ में हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका काउंट भी आपको अभी नजर आएगा। 33 यूनिवर्सिटीज हैं साउथ रीजन में, जहां पर आपको PhD करने के लिए PG अलग से करने की जरूरत नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पर्याप्त है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ईस्टर्न रीजन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं टोटल वो 15 हैं। अब सेंट्रल रीजन की बात करते हैं, सेंट्रल रीजन में जो यूनिवर्सिटीज आपको पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट मानती हैं फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग PhD, वो टोटल 33 हैं। अब नॉर्दर्न रीजन की बात करते हैं, नॉर्दर्न रीजन में जो यूनिवर्सिटीज PhD के लिए इक्विवेलेंट मानती हैं वो 16 हैं। तो आप सोचिए कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री की अपने आप में तो बहुत वैल्यू है ही, लेकिन उससे उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट आप कहलाएंगे, यू वुड बी कंसीडर्ड एज पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द पर्पस ऑफ UGC नेट एग्जाम एंड ऑफ कोर्स फॉर द PhD। दोस्तों, ऐसी ही और खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। हैप्पी CA, हैप्पी COC। थैंक यू।